जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान काले कानून मोदी सरकार के तीन नए कृषि कानून को लेकर पंजाब के किसान काफी गुस्से में हैं और अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के सटे सीमाओं पर पिछले 34 दिन से डटे हुए हैं। इस बीच पंजाब के किसानों ने अपना गुस्सा मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो पर निकाला है। दरअसल तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने पंजाब में 1500 से अधिक मोबाइल टावर तोड़े हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं। किसानों का मानना है कि नए कृषि कानूनों से अरबपति उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को सबसे अधिक फायदा होगा, इसलिए उनका गुस्सा मुकेश अंबानी की कंपनी जियो के मोबाइल टावरों पर निकल रहा है। राज्य में कई हिस्सों में इन टावरों को बिजली की आपूर्ति रोक दी गई है और साथ ही केबल भी काट दी गई है। हालांकि अंबानी, रिलायंस समूह और अडानी की कंपनियों किसानों से अनाज खरीदने के कारोबार में नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 27 दिसंबर तक राज्य में 1411 टावरों को नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन 28 दिसंबर तक ये आंकड़ा 1500 के पार हो गया। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि अब तक 1561 मोबाइल टावरों को निशाना बनाया गया है। राज्य के 22 जिलों में कुल 21306 मोबाइल टावर हैं। बताते चलें कि पिछले हफ्ते से किसान रिलायंस के खिलाफ गुस्सा निकाल रहे हैं। जालंधर में जियो की फाइबर केबल के कुछ बंडल भी जला दिए गए हैं। एक अन्य सूत्रों ने कहा कि टावर को नुकसान पहुंचाने का सबसे आसान तरीका बिजली की आपूर्ति काटना है। एक मामले में टावर साइट पर जनरेटर को लोग उठा कर ले गए और उसे एक स्थानीय गुरुद्वारे में दान कर दिया। इसका कुछ जियो कर्मचारियों को धमकाने और उनके भगाने का वीडियो भी वायरल है। उधर सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में मोबाइल टावरों के साथ छेड़छाड़ और दूरसंचार सेवाओं को बाधित करने के खिलाफ आज कड़ी चेतावनी दी है और पुलिस से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो राज्य में किसी भी कीमत पर अराजकता की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे और किसी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिंह ने कहा कि उन्होंने इस बारे में कई बार अपील की, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। इस वजह से उन्हें अपना रुख सख्त करना पड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने याद दिलाते हुए कहा कि यदि मोबाइल सेवाएं प्रभावित होती हैं तो इससे आम लोग, विद्यार्थी, घर से काम कर रहे पेशेवरों के अलावा बैंकिंग सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने केंद्र के काले कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को रोका नहीं है। उन्होंने कहा कि संपत्ति को नुकसान और नागरिकों को किसी तरह की असुविधा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सिंह ने कहा कि किसानों का आंदोलन अभी तक सफल रहा है और इसे समाज के सभी वर्गों और देश भर के लोगों का समर्थन मिला है, क्योंकि अभी तक विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। बता दें कि आंदोलन से जो मोबाइल टावर प्रभावित हुए हैं उनमें से 25 टावरों को कथित रूप से किसानों और उनके समर्थकों ने तोड़ दिया है। हालांकि किसान यूनियनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने का निर्देश दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।